हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गेस कीजिए मैं कहाँ पर हूँ। बाहर बहुत ज्यादा लाइटिंग हो रही है, तो अभी मैं हूँ नए घर में। और आज जो है, आज इंटीरियर का डे टू है, सेकंड डे है। तो यहाँ पर काम चल रहा है। ये कबर्ड है और ये मास्टर बेडरूम का कबर्ड है और यहाँ पे लगेगा ये कबर्ड। और ये कुछ ड्रायर वगैरह उन्होंने सेट करके रखा है। यहाँ पे है मेरा ड्रेसिंग टेबल और ड्रेसिंग टेबल का जो कलर देखिए कितना ज्यादा प्रीटी है। इसमें जो है ये कुछ लैमिनेट किया हुआ, लैमिनेट का जो कुछ लगता है ना ऊपर लैमिनेशन का कवर, वो लगा हुआ है। निकलने के बाद बहुत ज्यादा प्रीटी लगेगा। और कबर का भी कलर हम लोगों ने बहुत चुन कर चूज किया है। तो ड्राइंग रूम का हालत देखिए कितना ज़्यादा बुरा होकर रखा है। तो आज दो तीन दिन तो लग ही जाएगा सारा काम खत्म होने के। इंटीरियर काम बहुत ज़्यादा परेशानी है। और ये है किड्स बेडरूम का कबर्ड, जो कि थोड़ा सा बेबी के हिसाब से बनाया है, बट नॉर्मल से कलर हम लोगों ने चूज किया है। ये ही कबर्ड का कलर है और उसके साथ ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन है। तो ये कबर्ड है और टीवी यूनिट का, हाँ टीवी यूनिट का कलर ये है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, बहुत सारे लोग भी व्यूअर्स मुझे पूछ रहे थे। तो ये टीवी यूनिट का कलर है और किचन का और क्या, हाँ मंदिर का आ जाएगा। बहुत सारे कटिंग होके मीन्स मशीन में कटिंग होके आता है। और वॉशरूम का भी हम लोगों ने जो लगाना था वो लगा दिया है। मिरर वगैरह यहाँ पे लग गई है और कुछ स्टैंड वगैरह लगाना था, ये ब्रश होल्डर लगाना था और जो कपड़े टांगने के लिए ये सब हम लोगों ने कल ही लगाया है। कल थोड़ा बहुत जो फैन यहाँ पे हम लोग लगा चुके हैं और ड्राइंग रूम का भी फैन हम लोग लगा चुके हैं। ये है ड्राइंग रूम का कलर, जो कि मैं बहुत सारा सर्च करने के बाद चूज किया है। ये कलर मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि इस घर का जो थीम है वो ब्राउन एंड व्हाइट कलर में है। तो यही था। और यहाँ पे हमारा कुछ सामान पड़ा हुआ है, जो कि हम लोग रॉ पेपर्स के दिन थोड़े बहुत लेके आए थे, टेलीफोन वगैरह यहाँ सब पड़ा हुआ है। ये सब भी काम चल रहा था। और हाँ, ये देखिए सिंक एरिया पे मैंने ये मिरर को चूज किया है। ये बहुत बड़ा सा मिरर है, मुझे ये कलर एक्चुअली बहुत ही प्रिटी लगा, ब्लू एंड व्हाइट कलर का, तो मैंने ये किया है। नो मकर, तो अभी जो बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, क्योंकि कैंट हमारा ख़राब हो गया था। पीने के लिए पानी भी एक बूंदा नहीं था। तो कैंट जो सर्विस वाले हैं वो आए थे, फिर काम करके वो गए, कैंट का पानी आया, फिर मैंने थोड़ा सा पानी पिया, फिर राजल के लिए खाना वाना सब बनाई। नहाने के बाद कुछ भी मेरे फेस में नहीं है, तो जस्ट इग्नोर इट, फेस का हालत जज मत कीजिएगा, क्योंकि इधर उधर हो रही हूँ। तो सुबह एक बार आई थी, देख के गई थी हस्बैंड जाने के बाद, फिर अभी आ रही हूँ। तो अभी जाऊंगी, एंजल को खिला पिला के सुला के रेडी कर दूंगी, उसके बाद मेरा जो काम है मैं स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस हैं, दिखने के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं घर, छोटे छोटे जो बचपन में हम लोग खेलते ना, छोटे छोटे घर। काम कब खत्म होगा पता नहीं, बट हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं फ्राइडे को। आज तो मंडे हो गया, ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे, तीन ही दिन है। तीन दिनों में जितना कंप्लीट हो पाएगा उतना ही हम लोग करेंगे। उसके बाद बड़ा बड़ा जो चीज़ें हैं, बेड सोफा सेट, ये सब हम लोग यहाँ पे लेके आ जाएंगे, क्योंकि ये जो घर है ना, सॉरी जो हमारा रेंट का हाउस है, वो वहाँ तक ही है। तो देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। सिटिंग का काम फिर से बहुत ज़्यादा परेशानी लग रही है यार, क्योंकि ये घर में जब हम लोग आए थे ना, तो पूरा स्टोरी मैंने आपको तो बताया था दो तीन महीने पहले, बट हमको क्या पता था कि हम लोग फिर से शिफ्ट करने वाले हैं। कुछ तो प्लानिंग ही नहीं था, बट परेशानी से ही कुछ कुछ भला ही होता है। तो ये घर हमारा हो गया और फिर सारा जो चीज़ें हैं पूरा सेट हो जाएगा, फिर हम लोग दोबारा शिफ्ट नहीं करेंगे। तो चलिए जल्दी से लॉक करके जाती हूँ उस घर को, अंजल का नहीं तो ये सारा कारा मुझे स्टार्ट कर देती है। टेलीफोन लेके आ गई है। नो मामा,
जीवा घर को जीवा ऐसा घर को जीवा। तो चलिए उस घर को जाने के बाद मैं बात करती हूँ। मेरे लिए भी खाना मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है। तो घर को आ चुकी हूँ और मैंने लंच भी बना लिया है। तो लंच में आज थोड़ी बहुत बना ली है क्योंकि चावल नहीं था। तो चावल जब नहीं रहता है ना, कुछ खाने का मन होता है, तो इसके लिए मैंने बनाया है मेरे लिए यहाँ पर 2 पराठे और थोड़ी सी आलू भाजी और चिप्स, और ये है दही चीनी जो कि मेरे फेवरेट है। आलू का जो भाजी है, जब बनाती हूँ मम्मी का बहुत ज़्यादा याद आती है क्योंकि मम्मी मेरे बहुत अच्छे से वो बनाती थी। आलू का कोई भी सब्जी है ना, मम्मी को बहुत अच्छे से आती थी। मैं उतना ही इंग्रेडिएंट डाल के बनाती हूँ बट इतना टेस्टी मुझे नहीं लगता है। जब बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा याद आती है, सच में बहुत ज़्यादा याद आती है, बट मेरे तो नसीब में नहीं है फिर से मम्मी का हाथ का खाना। तो चलिए बात को छोड़ते हैं और दही चीनी मेरे फेवरेट है। ये देखो दही चीनी जब ये खाती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं तो आप क्योंकि मैं आप सभी को तो पता ही होगा कि मैं मीठा खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ रखती हूँ। तो चलिए जल्दी से लंच ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि आज ब्रेकफास्ट पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ सेवई की खीर थोड़ा सा खाई थी तो इसके लिए बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। आंजल खा के सो गई है। तो खाना ख़त्म करने के बाद मुझे थोड़ा सा यूट्यूब का काम है, कुछ मेल्स को रिप्लाई देना है और कुछ मेल भी सेंड करना है, ये सब मुझे काम करना है। ये मुझे आई थिंक हाफ एन आवर से 45 मिनट्स लगेगा। आप सभी को कमेंट का रिप्लाई भी देना है। तो चलिए जल्दी से ये सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। हस्बैंड भी आ जाएंगे, फिर हम लोग हो सके तो बाहर भी आज इंटीरियर का थोड़ा बहुत काम में जा सकते हैं, मुझे श्योर नहीं है, वो आने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए लंच कर लेते हैं। बहुत टाइम हो गया है, अभी बज रहे हैं रात का बज रहे हैं 9 o'clock और अभी मैं उस घर से आई हूँ और सारा वाकर जो है अपना काम करके चले गए थे। उसके बाद उनके यहाँ पर बुला के थोड़ा बहुत चाय पानी दिया, फिर चाय बिस्किट्स दिया, फिर हस्बैंड भी आ गए थे तो हम लोगों ने मिल के थोड़ा बहुत जैसे कि छोटा मोटा काम होता है ना, क्योंकि वर्कर लोग के साथ पूरा डिस्कशन करना पड़ता है, नहीं तो वो लोग ना कुछ कर देते हैं। तो इसकी वजह से मंदिर का जो डिज़ाइन था इसके लिए हम लोगों को फिर कल जाना पड़ेगा। तो यही सब चल रहा था अभी तक मैंने कुछ भी खाने के लिए नहीं बनाया है। तो अभी रोटी और सब्जी बनाऊंगी और सब्जी में शक्कर में बनाऊंगी बैंगन और आलू का भाजी जो कि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बैंगन भी इजीली पक जाता है 10 to 15 मिनट्स में, तो ये बना दूंगी। रात का बज रहे हैं 9 o'clock, तो इसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी से खाना बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड भूखा है। तो हस्बैंड जब भूखे होते हैं ना तो उनका तो गुस्सा है थोड़ा सा बढ़ जाता है और मेरा भी यही हालत है। अगर मैं भूखा रहती हूँ ना तो मेरा जो गुस्सा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से मैं ट्राई करती हूँ जब भूखा लगता है तो कुछ ना कुछ खा लूँ तो मेरा जो गुस्सा है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, नहीं तो मुझे बहुत चिचिचिचिट लगता है। तो इसकी वजह से टाइम टू टाइम खाना भी चाहिए। तो अंजल जो है अभी दूध पी रही है, तो आपके साथ थोड़ा सा बातें करते करते मैं कुछ वेजिटेबल को भी चॉप कर लूं क्योंकि लेट अगर हो जाएगा तो कुछ भी मेरा काम नहीं होगा। बर्तन मैंने ऑलरेडी सुबह क्लीन कर दिया था, 2-3 बर्तन पड़े हैं, सिर्फ मेरा जो लंच का बर्तन वो सारे पड़ा है और बाकी मैं यहाँ पर जो है और बाकी जो बर्तन है यहाँ पर मैंने धो के लगा दिया है।
ये मेरे पास नारियल है तो इस तरह से मैंने मिक्सी में अभी पीस लूँगी क्योंकि मुझे इसमें बनाना है कुछ स्वीट डिश, जैसे कि इसको ददरा पीसने के बाद थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा इलायची पाउडर के साथ हम लोग फ्राई करते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारे स्वीट डिश इसमें बनाते हैं। तो नारियल ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है तो इस तरह से मैं फ्राई करके फ्रीज में रख लेती हूँ और जब मन होता है मैं बना लेती हूँ। 7-10 दिन के अंदर, 10 दिन तक ये जो फीलिंग है वो रहती है। इस तरह से मैंने नारियल को पीस लिया है, जैसे आप ग्रेट करते हो उस तरह से मैंने पीस लिया है। अभी मैं ये पैन में थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, खाना पीना सब कुछ हो गई है। अभी हम लगाएंगे नेल पॉलिश जो कि अंजल को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अंजलि लाके मुझे दिया है ये, मामा लगा दो बोल के। देखो पैर भी दिखा रही है अभी लगाने के लिए, उसको पता है ये कहाँ लगता है क्योंकि मैंने एक बार इसको लगाया था तो बहुत ज़्यादा जीत की थी इसकी वजह से लगाई थी। और ये देखो इसको मैं पहले लगा लेती हूँ। ओके बहुत ही प्यारा कलर है ये, नेल पॉलिश लगाने का भी मुझे टाइम नहीं मिलता है।
ये देखो नटी एंजल को जब मैं नेल पॉलिश उसके हाथों में लगा रही थी बहुत ही अच्छे से वो दिखाई, और ये देखो कैसे कर रही है। ये जो नेल पॉलिश है पुराना था क्योंकि बहुत जोर से वो रोई थी, तो आजकल ना बहुत जिद्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गई है, जो चाहिए वो चाहिए, और अभी ये नेल पॉलिश के साथ खेल रही है। क्या करूँ कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे, सब मेरे ड्रेसिंग टेबल का कबर्ड में अंदर रहता है फिर भी ड्रॉर को निकाल देती है। अभी मैं उसी घर में जाकर ना पूरा सब सारा जो सामान है वो ऊपर ही रखूँगी, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, क्योंकि ये जो बच्ची है देखो इतना छोटी से छोटी उम्र में भी इतना मेकअप को मीन्स बहुत ज़्यादा उसको पसंद है। लिपस्टिक में लगाती हूँ तो मांग के फिर हाथों में इस तरह से कर देती है, कभी कभी पाउडर लगा लेती है, अभी जस्ट पाउडर लगा के आई थी। मैं तो बचपन में ऐसी नहीं थी, पता नहीं ये कैसी हो गई, मैं इतना ज़्यादा मेकअप लवर नहीं थी। ऑर्नामेंट्स के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पहनना, ऑर्नामेंट्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ, बट ये सारे मेकअप लिपस्टिक ये सारे अभी अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा बढ़ा है, बट बचपन में मैं इस तरह से नहीं थी। मामा। और आज एंजल को दो चोटी में मैंने रखा था, बट उस टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत बिजी हो गई थी क्योंकि उधर का काम सब हुआ करने कर रहे थे, तो उनका काम मैं देख रही थी, तो इसकी वजह से सूट नहीं कर पाई। अभी जाऊंगी सोने के लिए, ऑलमोस्ट जो है रात का बज रहे हैं 12 बजने के लिए 10 मिनट्स बाकी है, और बारिश इतना ज़ोर से हो रही है आज, बहुत ज़ोर से हो रही है, तो हस्बैंड अपना जो काम है कुछ ऑफिस का ख़त्म कर रहे हैं, तो अभी एंजल यहाँ पर मस्ती कर रही है, पूरा नेल पॉलिश इधर उधर कर रही है अपनी पैर हाथ। मेरे पास एक्चुअली खाली वाला नेल पॉलिश नहीं था, यही एक था जो कि थोड़ा सा ख़त्म हो गई थी और सूख गई थी, तो इसको भी अपना जो कारनामा वो कर रही है। बच्चे जब जिद्दी होकर इतना ज़ोर से चिल्ला के रोते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा दया आता है, क्या करूँ मैं नहीं देख पाती हूँ, ये जब रोती है पूरा चिल्ला के रोती है तो मैं फटाक से वो चीज़ें दे देती हूँ और 2 मिनट के बाद फिर वो चीज़ें ले जाती हूँ, बट इस टाइम पे ये चीज़ देना मुझे बहुत ज़्यादा मीन्स क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस टाइम पे मेरे लिए। तो और हाँ, बहुत ही बड़ा सा इम्पोर्टेंट बात, जो कि आज मैंने पराठे बनाए थे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मीन्स इतना ज़्यादा टेस्टी, मैं भी इसको पहली बार बनाई और ये मेरा इनोवेटिव है, मुझे पता नहीं है ये यूट्यूब में है या नहीं, बट मैंने सोचा कि जब आलू का पराठा बन जाता है और इस तरह से हम लोग नारियल का पराठा भी बना सकते हैं, तो ये मेरा एक आप एक्सपेरिमेंटल कुकिंग बोल सकते हैं, बट सच में टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा असम था। आप बच्चे को इस तरह से ब्रेकफास्ट में और उनका टिफिन बॉक्स में इसका रेसिपी बना मीन्स ये जो पराठा का रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद कैसा लगा आपकी फैमिली को और आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मुझे ज़रूर बताना।